नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचार। देश देशांतर में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे देश भर में विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर आज बात होगी। बहुत साफ दिशा निर्देश यूजीसी की ओर से सभी राज्यों की जो जहां पर विश्वविद्यालय हैं उन्हें दिए गए थे। अलग अलग तरीके या मोड बताए गए थे कि डिफरेंट मोड के ऑप्शंस उनके सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद करीब 31 छात्रों ने जो कि अलग अलग राज्यों से हैं, करीब 13 राज्य और एक यूटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द करने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई और उसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि ये जो अनिवार्यता है एग्जाम इसे खत्म करके उन्हें नंबर दिए जाए और उसके पीछे कई कानूनी संवैधानिक जो अधिकार हैं उसके पीछे तर्क रखे गए हैं। आज समझेंगे असल में जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की उसके मुताबिक देश में क्या परीक्षा कराने में दिक्कतें हैं, छात्रों के सामने परीक्षा देने में क्या दिक्कतें हो सकती हैं या हो रही हैं, और दूसरा विकल्पों के लिहाज से क्या वो विकल्प हैं जो छात्र और चाहते हैं या यूजीसी और दे सकता है यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के सहारे। और इसे समझने के लिए हमारे साथ जो तीन खास मेहमान इस चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ रजीश जैन जी हैं, सेक्रेटरी हैं यूजीसी से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। हमारे साथ प्रोफेसर अनु सिंह है जो की वाइस चांसलर है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मैम आपका भी स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ सिद्धार्थ हैं जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन से। सिद्धार्थ आपका भी स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत में सिद्धार्थ आपसे करना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है कि यूजीसी की गाइडलाइंस और कई सारे ऑप्शंस देने के बावजूद छात्रों को ऐसा लगता है कि परीक्षा देना मुमकिन नहीं है और महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु हो या करीब 13 राज्यों में इस तरीके की दलीलें हैं कि वहां पर नामुमकिन सा है परीक्षा देना, ऐसा क्यों? कविंद्रन जी, ऐसा है कि जब यूजीसी ने अपनी पहली जो सूचनाएं इशू की थी 29 अप्रैल को, तो उस सूचनाओं में उन्होंने जारी किया था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को उनकी प्रीवियस एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस पर और 50% इंटरनल असेसमेंट पर प्रमोट किया जाए, और उसमें उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर भी दिया गया था। उसमें कहा गया था कि 1 जुलाई टू 31 जुलाई तक जो एग्जाम करानी हो एग्जाम करा सकते हैं, अगर परिस्थिति अनुकूल हो अपने राज्यों में तो एग्जाम करा सकते हैं, और 1 अगस्त से सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू कर सकते हैं और जो फ्रेश एडमिशन होगी उनकी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस आई थी 29 अप्रैल को, जब हमारे देश की स्थिति ठीक ठाक थी, बट अभी जो गाइडलाइंस आई है 6 जुलाई को, उसके बाद जो स्थिति हमारे देश में बिगड़ती जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सेकेंड गाइडलाइंस है, जो सेकेंड गाइडलाइन जारी की है, मुझे लगता है कि ये गाइडलाइंस हर एक राज्य के परिस्थिति को देख के नहीं बनाई गई है। जो पहली गाइडलाइंस है और आज की जो गाइडलाइंस है उसमें काफी सारी भिन्नता है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्लेंडेड तरीके से एग्जाम ले सकते हो, बल्कि महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे ऑनलाइन सुविधा अभी भी मौजूद नहीं है, जहाँ पे ट्रैवलिंग फैसिलिटीज मौजूद नहीं है बच्चों को, तो इस तरह से बच्चे कैसे अपने एग्जाम सेंटर पे जाएंगे? एग्जाम से बच्चे डर नहीं रहे, बच्चे डर है कि उनकी आरोग्य की सुरक्षितता कैसे होने वाली है, और इस गाइडलाइन में कहीं पर भी मौजूद नहीं है कि आरोग्य की विद्यार्थियों की सुरक्षितता कैसे रखी जाए। ओके, प्रोफेसर अनु मैम, जिस तरीके से हालात, मैं कहूँ क्योंकि हर महीने बदल रहे हैं, हम देख रहे हैं कोविड के हालात देश के अलग अलग राज्यों में, तस्वीर अलग अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र या तमिलनाडु या ऐसे राज्य यहाँ जहां परिस्थिति पहले से ज्यादा खराब हो रही है या खराब हो चुकी है, क्या ऐसा लगता है कि हमें की जब मैं बात कर रहा हूँ यानी कि यूजीसी को या सरकार को परीक्षाओं के लिए राज्यों के लिहाज से
ऑप्शंस देने पड़ेंगे, एक एक ही मोड या परीक्षाएं हो ही पाएंगी ये कहना मुश्किल है अगर सभी राज्यों को मैं एक साथ जोड़ता हूँ। जी कबीर जी, इसमें एक्चुअल में इशू ये है कि जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को के कंपैरिजन में ज़्यादा महत्व रखती हैं। वो इसलिए महत्व रखती हैं क्योंकि वो टर्मिनल डिग्री है, टर्मिनल पॉइंट है जिसपे स्टूडेंट डिग्री लेके जाएगा और उसी के बेसिस पे उसे नौकरी मिलनी है, उसी के बेसिस पे उसका करियर डिसाइड होना है और उसी के बेसिस पे उसकी आगे ज़िंदगी में उसी के रेफरेंस पॉइंट वही रहने वाला है। तो ऐसे में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेके हमारे लिए चिंता का विषय ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर शायद इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो ऐसे में जब स्थिति, जैसे हमने देखा कि अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो गई है और अनलॉक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने पार्शली खुल गए हैं और बिजनेसेस भी खुल गए हैं धीरे धीरे। वी आर लर्निंग टू लिव विद कोविड। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसा जो बच्चों के हित में हो, जो स्टूडेंट्स के हित में, हमें वही करना चाहिए। 10 साल बाद, 8 से 10 वर्ष बाद जब इस डिग्री को लेके स्टूडेंट कहीं जाएगा अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ये उसका रेफरेंस पॉइंट बनेगा। अगर इसमें डाइल्यूशन हम करते हैं तो आने वाले समय में हमें माफ़ी नहीं दी जाएगी इस बात के लिए कि हमने कोविड के समय में इस तरह की कोई इस चीज़ को सीरियसली क्यों नहीं लिया और हमने बच्चों के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा। इसीलिए ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है आज कि क्या हमें ये रिगर जो एग्ज़ाम का रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ये विषय परसेप्शन का फ़र्क भी है, कहीं कहीं ये परसेप्शन का भी अंतर है। तो मेरा ये मानना है कि टर्मिनल डिग्री है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद इसका इफेक्ट बच्चे की जिंदगी में आने वाला है, तो इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। जैसा क्योंकि एक एक करके जो 8-10 बड़े मुद्दे हैं जो कि छात्रों की ओर से उठाए जा रहे हैं या उन राज्यों में पेरेंट्स की ओर से, एक बड़ा मुद्दा है जहां पर पेरेंट्स और छात्र ये कहते हैं कि बिहार, महाराष्ट्र या तमिलनाडु जैसे राज्यों में अगर कोई छात्र एग्जाम देने यूनिवर्सिटी जाता है, चाहे वो किसी भी मोड में, वो खुद संक्रमित हो जाए अगले क्लास या अगली परीक्षा के पेपर से पहले, उसके फैमिली का कोई संक्रमित हो जाए, क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, ऐसे में कैसे मुमकिन है कि वहां पर वो छात्र बाकी परीक्षाएं कंटिन्यू कर पाएगा। ऐसे में क्यों ना उन्हें दूसरे, जैसे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं, उनकी तरह एवरेज मार्क्स के साथ दे दिया जाए मार्क्स। जी गोविंद जी, धन्यवाद आपके माध्यम से। मैं सिद्धार्थ जी को और बाकी जो दर्शक हैं, चाहे वो छात्र हैं या पेरेंट्स हैं, उन तक ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहां तक परीक्षाओं का सवाल है, जैसा अभी अनु जी ने कहा कि परीक्षाएं बहुत आवश्यक हैं क्योंकि ये टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन हैं और टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन चूंकि वो जिंदगी भर किसी भी विद्यार्थी के साथ में रहेगा, वो मार्कशीट उसके साथ में रहेगी, इसलिए उसकी उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए और वैलिडिटी के लिए, या आगे हम हायर एजुकेशन की बात करें या प्लेसमेंट की बात करें, चूंकि ये एक लाइफ टाइम एसेट उसके पास रहता है इसका, इसलिए उसकी प्रामाणिकता होना बहुत जरूरी है। जहां तक पहली 29 अप्रैल वाली गाइडलाइंस का संबंध है, वहां पर हमने विस्तार से सारी चीजें बताई हुई थी कि परीक्षाएं कब होंगी, एडमिशन कब होंगे, कक्षाएं कैसे चलेंगी। उसमें लिखा था कि टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जाम 1 से 15 जुलाई तक होंगे और अब जब हम स्थिति देख रहे हैं कि देश में कोविड की केसेस की संख्या बढ़ गई है और जुलाई में परीक्षाएं कराना संभव नहीं है, इसलिए हमने ये दोबारा रिविजिट किया और कमेटी ने और गृह मंत्रालय ने और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये कहा कि टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाने चाहिए और इसके लिए 30 सितंबर तक की अभी समय सीमा हमने निर्धारित की है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में, चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो या अन्य कोई भी राज्य हो,
या वो राज्य भी हो जहां पे स्थितियां सामान्य है मगर एक कोई विद्यार्थी किसी परिस्थिति वश अपनी परीक्षाएं यदि नहीं दे पाता है तो उसका क्या होगा। तो इसी गाइडलाइन में ये बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी भी कारणवश यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाता है तो विश्वविद्यालय जब भी स्थितियां अनुकूल होंगी तो उस समय में विशेष परीक्षाओं का आयोजन करेगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो या मिश्रित पद्धति से जहाँ पे वो या तो ओपन बुक एग्जाम हो सकता है या टेक होम एग्जाम हो सकता है या अन्य कोई इनोवेटिव मेथोडोलॉजी विश्वविद्यालय निकाल सकता है। तो मैं तो और मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थी बड़े जिम्मेदार हैं, वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और परीक्षाओं के बारे में भी काफी संजीदा हैं, तो परीक्षाओं को लेकर इस तरह की भ्रामक स्थिति या इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक मन में विश्वास होना चाहिए और उनका अगर मन पक्का है कि हाँ मुझे अपनी जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है या जो मैंने अपनी स्किल्स अर्जित की है उसकी प्रामाणिकता मैं दिखाना चाहता हूँ, तो एक मौका उनके सामने है तो वो उसको पूरा कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक सर जैसा मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थ आपके पास, क्योंकि ये भी दलील दी जा रही है कि अगर आप 10th क्लास में या 12th क्लास में जो कि फाइनल ईयर माना जाता है और स्कूल के बाद वो एक नए लेवल पर कॉलेज में पहुंच रहे हैं बच्चे, अगर वहां पर बिना एग्जाम के उनको एवरेज मार्क्स दिया जा सकता है कुछ जगहों पर, तो ये पीजी या फिर मैं कहूं कि जो ग्रेजुएशन लेवल के फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्यों नहीं? जहां तक 10th और 12th के मार्क्स का सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं, सभी दर्शक भी जानते हैं कि इन मार्क्स के बेसिस पे उनको हायर क्लासेस में एडमिशन मिलते हैं। दसवीं के बेसिस के मार्क्स के बेसिस पे आपको बारहवीं में परीक्षा में बारहवीं की कक्षाओं में एडमिशन मिलेगा और बारहवीं की कक्षाओं के बेसिस पे आपको ग्रेजुएट लेवल पे एडमिशन मिलेगा। और बारहवीं की भी सारी परीक्षाओं को स्थगित नहीं किया गया था, बारहवीं की कुछ परीक्षाओं को ही स्थगित करके उनको मार्क्स दिए गए हैं। मगर ये जो टर्मिनल डिग्री होती है जिसे हम अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे मानते हैं, ये डिग्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि जो आगे उनको नौकरी करनी है, क्योंकि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं या दूसरी हम प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की बात करें, वहां पे ग्रेजुएशन में आपके क्या मार्क्स रहे हैं या जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स रहे हैं उसके आधार पर ही नौकरी में उसकी जो एक पोजीशन होती है या मेरिट बनती है या उसको मौका दिया जाता है वो निर्धारित करती है। और आगे हायर एजुकेशन में भी अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है या पीएचडी करना चाहता है तो जो एडमिशन होता है उसमें क्राइटेरिया प्राथमिकता के तौर पे अंतिम वर्ष के मार्क्स को ही दिया जाता है। इसलिए अंतिम वर्ष के मार्क्स जो कि ग्रेजुएट लेवल के होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी मैं जो मैडम ने भी कहा और जैन साहब ने भी कहा, मैं इसको थोड़ा डिफर करना चाहूँगा और मैं दोहराना चाहूँगा फिर से, विद्यार्थी जो है पूरे देश के वो परीक्षा से नहीं डर रहे हैं, विद्यार्थी पूरे विश्वास के साथ पूरे जिम्मेदारी के साथ परीक्षा देना चाहते हैं। पर जो परिस्थितियाँ हमारे देश में अभी आज आ चुकी है, जो इफेक्ट जो हो चुका है कोरोना का वो काफी ज्यादा इफेक्ट है, उस लेवल में जाके अगर सितंबर में हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट आने के लिए 2 महीने जाएंगे, तो दिसंबर में अगर रिजल्ट आती है तो अगेन जो बच्चे फेल होते हैं वो रिवेल्यूशन में जाएंगे, रिवेल्यूशन में भी फेल होते हैं तो उनको एटीकेटी देना पड़ेगा, दैट मीन्स पूरा सर्कल चलेगा और 1 साल विद्यार्थियों का वेस्ट होगा। तो हु विल बियर दैट 1 ईयर? 1 साल वेस्ट होना मतलब उनका जो पीरियड है एजुकेशन का, जैसे 3 ईयर डिग्री होती है अंडर ग्रेजुएट, 2 ईयर पीजी होता है, तो वो कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ सकता है 1 साल से, तो अगेन उनका जो अपॉर्चुनिटी इम्प्लॉयमेंट का है वो भी उनको डिले हो सकता है। और मैं अगेन याद दिलाना चाहूंगा कि सेक्शन 22 ऑफ यूजीसी जो राइट टू कन्फर डिग्री यूनिवर्सिटी को देता है, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे डिग्री कन्फर कर सकती है, अगेन में इसके बावजूद भी जो स्टेट लेवल में पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट होता है उसमें भी कहा गया है, जैसे हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें सेक्शन 88, 89, 90 में कहा गया है कि अगर सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल है तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एक रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट
राज्य सरकार और जो चांसलर उनको प्रदान करे कि 2009 में यूजीसी ने एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे अंडर फॉर्मर चेयरमैन मिस्टर सुखदेव थोरात, और उसमें हमने एग्जामिनेशन में इवैल्यूएशन पैटर्न में काफी सारे बदलाव किए थे और हमने कंटिन्यूएशन इंटरनल इवैल्यूएशन ला लेते तो इंटरग्रेशन ऑफ द इवैल्यूएशन पैटर्न जैसे CBCS से हमने जब 24 अप्रैल को यूजीसी को एक निवेदन दिया था और उस निवेदन में कहा गया था कि वेरियस इवैल्यूएशन पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है। 2014 के बाद भारत में सारे विद्यापीठों ने और महाराष्ट्र ने भी वो पैटर्न अडॉप्ट कर लिए थे CBCS ग्रेडिंग पैटर्न से, जिसके 9-point स्केल सिस्टम है जो ईच सेमेस्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस प्रदान करता है, जो ईच सेमेस्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस प्रदान करता है। जैसे जैन साहब ने कहा कि जो फाइनल सेमेस्टर फाइनल एग्जाम होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, पर यहाँ पर अभी सारे सेमेस्टर का कॉम्बिनेशन क्यूमुलेटिव मार्क्स ग्रहित किया जाता है फर्दर एजुकेशन के लिए। जो ऑप्शंस आपने दिए हैं वो इसलिए कि छात्रों को बेहतर विकल्प मिल पाए और स्थितियां अगर अनुकूल नहीं तो दोबारा मौका मिले, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है जिसका सिद्धांत जिक्र कर रहे हैं कि डिले हो जाता है, डिले और हो सकता है, और ये जो कि जुलाई तक मार्कशीट या एग्जाम फाइनल होने थे वो सितंबर अक्टूबर या दिसंबर तक चल सकते हैं। कुछ राज्यों में मैं जो खबरें आ रही है कि कहीं पर 8 दिन, कुछ शहरों में 10 दिन, कहीं पर 15 दिन के लॉकडाउन के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, अगर ये बढ़ते हैं तो वहां पर डिले और ज्यादा होगा। इससे कहीं ना कहीं जो सिद्धार्थ कर रहे हैं वो वैलिड पॉइंट है कि सत्र का नुकसान, एक पूरे के पूरे सेमेस्टर का नुकसान क्या नहीं उठाना पड़ेगा, और जो फाइनल के छात्र हैं उनको नौकरी में अप्लाई करने या फॉरन में कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए उनका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। जी गोविंद जी, जहां तक जो प्रश्न सिद्धार्थ जी ने उठाया है और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि सत्र में विलंब होगा या छात्रों का समय का नुकसान होगा, तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि यह एक बहुत ही असाधारण और बहुत ही एबनॉर्मल तरह की स्थिति है जो कि न केवल भारत में है बल्कि वैश्विक स्थिति है, जहां पे जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो वस्तु परिस्थिति को देखने के बाद ही निर्णय लिए जा रहे हैं। अभी चूंकि परीक्षाएं करा पाना किसी भी जगह संभव नहीं है, विश्व में भी जहां पे परीक्षाएं कराई गई हैं वहां पे या तो ऑनलाइन मोड में कराई गई हैं या दूसरे मोड में उन्होंने असेसमेंट किया है, और काफी सारे विश्वविद्यालयों ने अभी भी परीक्षाएं नहीं कराई हैं। जहां तक सत्र के देर से शुरू होने का सवाल है, मान लीजिए यदि परीक्षाएं सितंबर में होती हैं, रिजल्ट अक्टूबर में आते हैं, एडमिशन नवंबर या दिसंबर में होते हैं, तो ये एक संभावना हो सकती है कि लगभग 6 महीने देरी से सत्र शुरू होगा। यदि ग्रेजुएशन के सत्र में स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे तो उनके पास में 3 साल का समय होता है, और आने वाले 3 साल में ये जो 6 महीने उनके इस साल हम किसी वजह से खो देंगे उनको आगे आने वाले 3 साल में किसी तरीके से समायोजित किया जा सकता है। इसी तरीके से पीजी में जो एडमिशन लेंगे अगर उनका सत्र डिले होता है तो हमारे पास 2 वर्षों का समय है, जहाँ और 2 वर्षों के समय में ये 6 महीने का समय कुछ हद तक या काफी हद तक समायोजित किया जा सकता है। जहां तक छात्रों के नौकरी का सवाल है, नौकरी काफी सारी नौकरियों में जहां पे प्लेसमेंट होना था वो प्लेसमेंट काफी सारी जगह ऑलरेडी हो चुका है, मगर काफी सारी जगह प्लेसमेंट्स अभी भी नहीं हुए हैं और वो प्लेसमेंट ग्रेजुअल तरीके से हो रहे हैं, और जैसे जैसे विद्यार्थियों के रिजल्ट निकलते जाएंगे उस हिसाब से उनके प्लेसमेंट्स होते जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में भी अभी लॉकडाउन है, इंडस्ट्री भी अभी काफी सारी वो अभी उन्होंने अपने प्लेसमेंट्स को या तो डेफर किया हुआ है या डिले किया हुआ है। और जहां तक हम विदेश में जाने वाले छात्रों की अगर हम बात करें जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, वहां पे भी उनके पास में 2 सेमेस्टर्स के ऑप्शन रहते हैं। यदि वो सेप्टेम्बर वाले यानी कि यदि वो फॉल सेशन में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो उनके पास में जनवरी या फरवरी में एक और मौका मिलता है एडमिशन का। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में 2 बार एडमिशन के ऑप्शंस रहते हैं। क्योंकि ये असामान्य परिस्थितियां हैं इसलिए कुछ निर्णय जो कि विशेष निर्णय होते हैं परिस्थितिवश वो निर्णय लिए जाते हैं, और ये सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही लिए गए। मैं प्रैक्टिकल दिक्कत जो कुछ और चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरे पास सवाल भेजे हैं, और आप DU की यूनिवर्सिटी में VC हैं,
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट या बिहार का एक बच्चा जो कि डीयू में पढ़ता है, आने जाने का फिलहाल इस वक्त साधन नहीं है और वो किराए पर दिल्ली में अगर रहता है, उसे कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार को दोबारा रखने को तैयार नहीं है हाल के कुछ महीनों से, वो कैसे दिल्ली में आकर एग्जाम दे पाए। जी जैसे रजनीश जी ने बताया कि यूजीसी ये इंसिस्ट नहीं कर रही है कि आप इन पर्सन स्टूडेंट्स को बुला के एग्ज़ाम करवाएं, फिजिकली प्रेजेंट हों बच्चे, हर तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, ऑफलाइन का, ऑनलाइन का, ब्लेंडेड मोड का, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का। मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से हूँ तो हमने अपने बड़े टाइम से अपना सत्र पूरा किया है और टाइमली हमने रिजल्ट निकाल दिया है और हमने टाइमली एडमिशन प्रोसेस शुरू कर लिया और टाइमली ही हम नेक्स्ट सेशन हम 4 अगस्त से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो प्लानिंग रही हमारी यूनिवर्सिटी की, वो हमने बहुत ही स्ट्रेटजिकली ये समझते हुए कि सिचुएशन ख़राब होगी, हम इसको फोर्सी कर ही रहे थे और हमने ऑनलाइन क्लासेस इस तरह से लगाई इमीडिएटली विदाउट फेलिंग, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमने इसको जैसे कहते हैं ना स्ट्रेटजिकली प्लानिंग करके सब कुछ कर लिया। अब यूजीसी ये नहीं कह रही है या यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती है कि स्टूडेंट्स इन पर्सन आए, फिजिकली यूनिवर्सिटीज में आए और एग्ज़ाम दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो थ्रू ऑनलाइन मोड क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं या एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो उनको उनको ऑप्शन दिया गया है कि जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो उस समय अगर वो ऑनलाइन देना चाहेंगे या ऑफलाइन देना चाहेंगे या ब्लेंडेड मोड में एग्जाम देना चाहेंगे या फिजिकली आके देना चाहेंगे, वो तब दे सकते हैं। तो ये बैंडविड्थ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा थी हमारे पास कि हमें ये सारे इश्यूज हम बड़े आराम से केटर कर सकते हैं। जी ओके जी सर, लेकिन क्या जब एबनॉर्मल सिचुएशन हो, और जिसका जिक्र सिद्धार्थ ने किया क्योंकि हमने कुछ वर्षों पहले ही इस मॉडल को अपनाया कि सेमेस्टर के लिहाज से हम एसेस करेंगे, किसी एक एग्जाम के सहारे हम एसेस नहीं करेंगे। अगर हम अलग अलग वर्षों में अलग अलग सेमेस्टर में उस बच्चे को एसेस करते रहे हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्जाम की ही जरूरत क्यों है? क्यों बच्चों के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने लाडलों को रिस्क में डालते हुए किसी शहर में, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन का मोड हो, वहां पर भेजे? क्योंकि बहुत सारे देश के इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी डिजिटल तकनीक की पहुंच नहीं है, ये मानना पड़ेगा, हम सब मानना पड़ेगा ये बात। यस जी कविन जी, जहां तक एग्जाम की बात है, मैं एक बार पुनः इस बात को कहना चाहूंगा, जो CBCS की बात आपने कही जहाँ पे हर सेमेस्टर में एग्जाम कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, कंटिन्यूअस असेसमेंट में ज्यादातर विश्वविद्यालयों में इंटरनल इवैल्यूएशन का कंपोनेंट 20-30% रहता है। वहां पे हर सेमेस्टर में एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है जो कि लगभग 70-80% मार्क्स उसके होते हैं। प्रीवियस के सेमेस्टर्स के मार्क्स को अगर हम कंसिडर करें तो हम ये पाते हैं कि छात्रों ने अपना प्रदर्शन किया मगर अभी भी उसका अंतिम सत्र बाकी है और काफी सारे छात्र इस उम्मीद में भी रहते हैं कि यदि वो किसी कारण से किसी भी सेमेस्टर में कहीं पीछे रह गए हैं तो अंतिम सेमेस्टर उनके पास में ये एक आखिरी मौका है जहां पे वो अपना अच्छा प्रदर्शन करके बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। न केवल ये बल्कि अंतिम सत्र की परीक्षाओं को कराने के बाद में एक पूरा परिदृश्य हमारे सामने आता है कि उसका ओवरऑल असेसमेंट कितना रहा है, जो कि हमारे पास में प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस का अगर हम एवरेज लेंगे तो वो हमारे सामने वो ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। और मैंने पहले भी कहा है कि ज्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम सत्र के मार्क्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वेटेज देते हैं, इसलिए भी अंतिम वर्ष के मार्क्स का होना काफी आवश्यक हो जाता है। और जैसा अनु मैडम ने पहले भी कहा कि यदि हम आज से 10 साल बाद की कल्पना करें और 10 वर्ष बाद में जब हमारे पास में डिग्री होगी और वो इस तरीके से डिग्री होगी कि आपके फाइनल सेमेस्टर में बच्चों को प्रमोट किया गया था और उस प्रमोशन के दौरान आपकी एक कोविड वाली डिग्री आपके हाथ में है जहां पे प्रमोटेड स्टूडेंट की डिग्री है, तो उस केस में शायद हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और हम ही को क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने इस तरह का निर्णय क्यों लिया। ओके
सिद्धार्थ, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगा लास्ट में आपसे एक रिएक्शन कि तमाम विकल्प, आप लोगों की चिंताएं, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की चिंताएं, रास्ता हो क्या सकता है अगर एग्जाम देना ही है, क्या रास्ता और बेहतर ऑप्शंस आप लोग चाहते हैं? जी हमने, धन्यवाद जी कविन जी, मैंने, हमने पहले भी 24 अप्रैल को हमने खत लिखा था, निवेदन लिखा था, उसमें ऑप्शंस दिए थे और ऑप्शंस यूजीसी के सारे एक्ट रिफॉर्मेशंस, उनके जितने भी सर्कुलर्स है उनको मद्देनजर, उनको स्टडी करने के बाद ही दिए थे। जैसे मैं कह चुका हूँ कि हमारे पास बहुत सारे इवैल्यूएशंस के पैटर्न अवेलेबल है जो यूजीसी ने क्रिएट कर चुके हैं पहले। जैसे क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट इंडेक्स, जो हर बच्चे को एक एक ग्रेड मिलता है और एंड में उसका ग्रेड एड हो जाता, तो ग्रेडिंग भी हम कर सकते हैं। अभी हम 29 अप्रैल की गाइडलाइन देखेंगे, अगर हम 6 जुलाई की गाइडलाइन देखेंगे कि वहां पर यूनिवर्सिटी ने पूछा है कि करेंट असेसमेंट यूनिवर्सिटी करना चाहिए, यूनिवर्सिटी ने प्रिपेयरनेस प्लान भी होना चाहिए, बच्चों को रेसिडेंशियल जोन का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ऑफलाइन एग्जाम्स तो यहाँ पे हो नहीं सकते, जो परिस्थितियां आप अपने राज्यों में है, जो बच्चे ऑनलाइन की जो अपेक्षा कर रहे, तो ऐसे भी कुछ सारे रिमोट विलेजेस है, उसमें वहां पर ऑनलाइन सुविधा भी नहीं जा रही है। तो हम चाहते हैं यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एमएचआरडी रिविजिट करे अपने सारे इवैल्यूएशंस, जो इवैल्यूएशंस के जो पैटर्न है उसको अगेन एक बार देखे और विद्यार्थी के हित में निर्णय दे। और मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैडम ने भी कहा और सर ने भी कहा कि जो बच्चे 8 साल के बाद अपनी डिग्री को देखेंगे, एक कोविड डिग्री है तो मैं डिफर कर सकता हूँ, बिकॉज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है ताकि उनके भी सेमेस्टर उतनी इंपॉर्टेंट जितनी फाइनल सेमेस्टर इंपॉर्टेंट होती है। और गाइडलाइंस में कहीं पर भी फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन कंडक्ट करना ऐसा लिखा नहीं है, टर्मिनल लिखा है और इंटरमीडिएट लिखा है। तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो अभी समझो जो पेरेंट्स है उनको सिंगल चाइल्ड है और एग्जाम के दौरान उसकी मौत होती है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? 8 साल के बाद उसके पेरेंट क्या देखेंगे कि भाई हमारा बच्चा कोविड में एग्जाम के लिए गया था और वापस ही नहीं आया घर पे, तो उन फैमिली को क्या महसूस होगा? तो मैं दोबारा सारे विद्यार्थियों की तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूँ यूजीसी को, जैन साहब को और एमएचए को और एमएचआरडी को और मोदी सर को भी, मैं इस जरिए से मैं निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप विद्यार्थी हित का पूरा ध्यान रखें और अगेन आपके गाइडलाइंस को रिविजिट करें और सारी बातें ध्यान में रखें। कविन जी मैं यहाँ पे एक बात धर्म है, जो तमाम सवाल थे, हमारी कोशिश यही है कि इस फोरम के जरिए हम सरकार तक, यूजीसी तक और मिनिस्ट्री तक पहुंचा, जो बेहतर विकल्प, सुरक्षित रास्ता हो सकता है वो आप लोगों को दिया जाए। तो आज फिलहाल इतना ही, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।